আজি ঝাৰসুগুড়া বীর সুরেন্দ্র সাই বিমান বন্দরের পালন হেলা উড়ান দিবস যোগ দিলে বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বিমান বন্দরের পৌঁছবা পরে ঝাৰসুগুড়া বিমান বন্দর জেলা প্রশাসন ও উপস্থিত থাকা নেতা মানে পুষ্পগুচ্ছ দিয়ে কেন্দ্রমন্ত্রী স্বাগত করা পরে মন্ত্রী শ্রী সিন্ধিয়া বিমান বন্দর পরিসরে প্রদর্শনী উদ্ঘাটন করলে। এই প্রদর্শনী ঝাৰসুগুড়ার ঐতিহ্য সহিত ব্রিটিশ অমলর ঝাৰসুগুড়া বিমান বন্দরের ফটোচিত্র প্রদর্শনী উদ্ঘাটন করে। তিন বর্ষ পূর্বে সেপ্টেম্বর 22 তারিখ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দ্বারা উদ্ঘাটিত হয়েছিল। বিমান সেবা আরম্ভ হওয়ার পশ্চিম ওড়িশা সমেত পড়োশী ছত্তিশগড় ও ঝাড়খণ্ডর অর্থনীতি আহুরি গতিশীল হওয়া সহ লোকঙ্ক আবশ্যকতা পূরণ করেছে ঝাৰসুগুড়া বীর সুরেন্দ্র সাই বিমান বন্দর। সাধারণ লোকঙ্ক বিমান যাত্রা করাইবা এই উড়াণ যোজনা করেছিলা কেন্দ্র সরকার। আজি কেন্দ্র সরকারঙ্ক তরফর ঝাৰসুগুড়ার বীর সুরেন্দ্র সাই বিমান বন্দরের পালিত হব উড়াণ দিবস। দেশের ব্যবসায়িক রাজধানী মুম্বাই এবং আইটি হব ব্যাঙ্গালোর সহিত ভুবনেশ্বর, রায়পুর, কলকাতা, হায়দ্রাবাদ, দিল্লি, চেন্নাইকে ঝাৰসুগুড়ার বিমান সেবা মিলছে। আগামী দিনে আহরি অন্য সহরক বিমান সেবা যোগাই দেওয়া বরগড় সাংসদ ও ব্রজনগর বিধায়ক দাবি করছেন। ঝাৰসুগুড়ার প্রশান্ত মাঝি রিপোর্ট, ওড়িশা নিউজ 24। पहले तो झाड़सुगुड़ा की जो क्षमता है उस पर पूर्ण रूप से मैंने विश्लेषण अपने उद्बोधन में किया है। झाड़सुगुड़ा की क्षमता केवल वर्तमान की नहीं, झाड़सुगुड़ा का एक बुलंद इतिहास है। वीर सुरेंद्र सहाय की एक नम्न की भूमि है जिसे नमन करने का आज मुझे मौका मिला है। एक बहुत लंबा इतिहास है धर्म के तरफ से, स्वतंत्रता संग्रामी और उसके पूर्व भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो लड़ाई जंग लड़ी गई, झाड़सुगुड़ा का वर्तमान भी है जो क्षमताओं से भरा हुआ है और झाड़सुगुड़ा का भविष्य भी है। और इन तीनों का संगम अगर हमें राष्ट्रपटल पर उजागर करना है तो वो नागर विमानन क्षेत्र के आधार पर संभव हो पा रहा है, जो प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि उड़े देश का आम नागरिक, प्रजातंत्रीकरण विमान सेवा का हो, उस उद्देश्य के तहत ही आज झाड़सुगुड़ा विमान सेवा के नक्शे पर आया है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानचित्र से मिट गया था। और ऐसे कई कहानियां हैं जो आप लोगों ने आज सुना है, किशनगढ़ की कहानी है, रूपसी की कहानी है, बेलगावी की कहानी है, हिंडन की कहानी है, कई ऐसी कहानियां हैं, दरभंगा की कहानी है। और आज ये सब संभव हो पाया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के आधार पर, उनकी दूरदर्शनी नेतृत्व के आधार पर। और आज मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को भी बधाई देना चाहता हूं, उनको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरी उनसे विस्तृत चर्चा हुई थी यहाँ आने के पहले, उनकी कर्मस्थली है और उन्होंने भी बहुत सारा योगदान इस क्षेत्र के लिए दिया है। उड़ीसा की सरकार को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, साथ में मिलकर ये विमानतल आज तैयार है। पर उड़ीसा में और बहुत कुछ करना है हमें नागर विमानन क्षेत्र में। मैंने मंच से कहा है जयपुर और उटकला दोनों एयरपोर्ट्स के लिए परमिशन लाइसेंसिंग की जो ज़रूरत है उसका प्रस्ताव हम लोग उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं, उड़ीसा सरकार जल्द से जल्द भेजे। उसी के साथ पूर्वी राज्यों से फल, झाड़सुगुड़ा से कृषि प्रधान जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ से एक्सपोर्ट के लिए कई उत्पादन कृषि उड़ान के तहत हम लोग विश्व भर में पहुंचा पाएंगे। मैंने नई पॉलिसी कृषि उड़ान की निकाली है दो हफ्ते पूर्व, जहां सारे पार्किंग लैंडिंग चार्जेस हमने समाप्त कर दिए हैं। जितना भी कृषि का उत्पादन प्लेन के बेली में जाएगा, जितना भी संभव हो उसे हम लोग
आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और 8 मंत्रालय साथ में मिलकर, जो प्रधानमंत्री की सोच है कि सरकार को साइलो में काम नहीं करना है, साथ में मिलकर काम करना है। तो कृषि उड़ान योजना नागर विमानन मंत्रालय की योजना अकेले नहीं है, 8 मंत्रालय मिलकर इस योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं। हमारे सांसद और विधायक है कि देखिए कितना जल्द, आपने कभी अनुमान लगाया था कि 3 लाख यात्री प्रति वर्ष झरसुगुड़ा से निकलेंगे? तो ये तीव्र गति से बढ़ता जाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। योजना में भी हम कई प्रस्ताव डालेंगे, उसके अतिरिक्त भी हम लोग एयरलाइन से बात करेंगे और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में अगर भारत में वृद्धि हमें लानी है यात्रियों की, वो केवल मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर और चेन्नई जैसे एयरपोर्ट से नहीं हो पाएगा, जो ऑलरेडी पीक कैपेसिटी पे कार्य कर रहे हैं, वो Tier 2, Tier 3 सिटीज़ छोटे शहरों से वो तीव्र गति हम लोग उत्पन्न कर पाएंगे। तो आप लोग चिंता न करें, जितना भी हो सकेगा केंद्र सरकार इस क्षेत्र के लिए और छोटे शहरों के लिए पूर्ण झारसुड़ावासियों गर्वर विषय, जो समय झारसुड़ावासी एयरपोर्ट कथा बहुत ले दाबी करते, से समय बहुत जन मन में शंका आशंका था जे एयरपोर्ट चलो कि नहीं चलवा पचर कथा दौड़ा आरंभ कला एवं 2 वर्ष भितर एति उन्नति कौन सी एयरपोर्ट भारत बर्षर अतीतर कर उड़ान स्कीम झारसुड़ा एयरपोर्ट भारत बर्षर सर्वोत्तम एयरपोर्ट भाव में निजर परिचय तैयारी कर पारी। आज जो उड़ान उत्सव जितिय स्तर में झारसुड़े होती आहरी 53 एयरपोर्ट बड़ बड़ एयरपोर्ट मैं सामिल है भर्चुआल तेणु आगामी दिन में यहाँ आपको आहरी कमी जीव कमी आगामी दिन गोटे आंतर्जातिक एयरपोर्ट हो पारे एवं देश भितर पुणे को कमी चल पार विशाखापाटनम को चल पार मेजर सिटी मानक जो मेजर सिटी मानक तो चलू आहरी पकया मेजर सिटी को सब कमी कनेक्ट हो पार एवं उड़ान कृषि उड़ान जो योजना केन्द्र सरकार करजात द्रव्यर परिवहन करने आम चाहू सीटी में झारसुड़ा एयरपोर्ट सामिल हूँ एटिकार जो मछुआर अच्छा जो मछ चाष कर उत्पादन करो पर उत्पादन करो धान उत्पादन करमकर द्रव्य कमी पर यू विमान जो हो पार से बाबद कथबार्ता चलिए।